इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मगर आज हमारे मसीही नौजवान जाग कह रहे हैं, वे तो गेट के सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं। हम अपना कीमती वक्त संसारिक चीज़ों में लगा रहे हैं, गवा रहे हैं। हम अपना कीमती वक्त इधर उधर नष्ट कर रहे हैं। अपना समय इधर उधर बर्बाद मत करो मेरे प्रियो, क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है, समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो। क्यों पाप करके अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो? नर्क में जाना आसान बात नहीं है मेरे प्रियो, बहुत महंगा पड़ेगा। थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा दी जाएगी। रोमियो 6:23 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप करोगे तो मृत्यु होगी, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन उसका है जो यीशु मसीह ने देने का वायदा किया है। मत्ती 25:41 वचन में लिखा हुआ है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था, परंतु हर एक मनुष्य पापी है और हर एक व्यक्ति को नरक के लिए ठहरा दिया गया है। रोमियो 3:10 वचन में लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। यीशु ने कहा था, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जैसा लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 3:3 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच के सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। नरक उन लोगों के लिए है, अनंत दंड है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। मत्ती 25:46 वचन में लिखा हुआ है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उस समय दुष्ट लोग अनंत काल की आग में तड़पेंगे और धर्मी जन स्वर्ग में राज्य करेंगे। इसलिए पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे आपको नर्क में जाना पड़ जाएगा। देखिए, शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है, और वह शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है, और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। और वह मसीही उस शैतान की जाल से निकलना तो चाहते हैं, पर निकल नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं निकल पाते हैं तो सुनो, क्योंकि उसके अंदर वचन ना होने के कारण, वचन की गहराई ना होने के कारण वह मसीही पाप में गिर जाता है। आप इसी तरह पाप करते रहिए और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट नरक में चले जाइए। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो वहाँ ना आग बुझेगी और ना वहाँ कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। डाइंड नो मैसेज।